करहल थाना प्रभारी ने कस्बे के मुख्य पॉइंटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग को लेकर जनपद सीईओ को लिखा पत्र। तीसरी आग तैनात होगी तो आए दिन हो रही घटनाओं पर लग जाएगा विराम। खबर काहल से है, जहां यदि बात की जाए तीसरी आंख के भरोसे सुरक्षा व्यवस्था की तो सारा पुलिस प्रशासन व्यापारियों की दुकानों घरों की छतों पर लगे निजी सीसीटीवी कैमरों पर निर्भर है, मगर पुलिस का कहना है कि निजी कैमरे पुलिस के लिए ज्यादा काम के नहीं है। कस्बे में मुख्य पॉइंटों पर भी एक भी सीसीटीवी कैमरा न होने की वजह से आए दिन हो रही घटनाओं को ट्रेस कर पाना करहल पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही करहल थाना प्रभारी नगर के मुख्य मार्गों पर जहां जहां कैमरे लगवाने की आवश्यकता है उसके लिए जनपद सीईओ को पत्र लिख चुके हैं, मगर फिलहाल अभी तक थाना प्रभारी के उस पत्र पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। वहीं जब थाना प्रभारी ने यह बात कल शाम थाने में आयोजित सभा में पधारे गणमान्य नागरिकों के सामने रखी तो उनमें से दो कैमरे वहां उपस्थित समाज सेवियों ने दान करने की बात कही। ठीक है, दानदाताओं के भरोसे तो कैमरे नगर में लग ही जाएंगे, मगर जिस विभाग की जिम्मेदारी है नगर की सुरक्षा में कैमरे लगवाने की, उस विभाग के जिम्मेदार अभी तक क्या कर रहे हैं? क्या वे करहल में किसी बड़ी घटना घटित होने का इंतजार कर रहे हैं, जब स्वयं थाना प्रभारी कह रहे हैं कि करहल कस्बे में कहीं भी सीसीटीवी कैमरे न होने की वजह से हम किसी भी घटना का तुरंत ट्रेस नहीं कर पाते हैं। यदि कैमरे लगा दिए जाएंगे तो आधी घटनाओं पर तो वैसे ही विराम लग जाएगा। देखिए करहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कैमरे का सुझाव दिया गया है कि करहल कस्बे में कैमरे लगने चाहिए, हमने पॉइंट भी बताए हैं, आपने सर अपने स्तर पर क्या प्रयास किए सर इनके लिए? हमने सीईओ साहब को एक पत्र लिखा है और उसमें 21 की डिमांड रखी थी कि सर्वप्रथम 21 लग जाए, तो लगभग ये पूरा करहल क्षेत्र है जो कस्बा एरिया है और कुछ ग्रामीण का हिस्सा भी कवर होता है, उसी चीज़ को हमने इनके सामने रखा है, ग्रामीणों के सामने। अगर ग्रामीणों के सहयोग से, जन सहयोग से अगर कुछ थोड़े बहुत भी लग जाए तो कोई भी घटना होने पर जो है पुलिस को बहुत मदद मिलेगी, और जो इसके जिस तरह के बदमाश करते हैं जो, या कोई बड़ी घटना होती है तो कोई सुराग मिलने के लिए उसमें बहुत मदद रहेगी। तो क्या सर करहल नगर में अभी कोई कैमरा कहीं भी नहीं लगाया गया? नहीं, अभी वर्तमान में कोई कैमरा नहीं है, जो एक आध लगाया तो अपनी दुकानों पर सुरक्षा के लिए लगाया गया है, जो पुलिस के बहुत ज़्यादा काम के नहीं है। तो जनपद सामने सर कुछ इसके लिए प्रयास किए सर? आप नहीं, मैं उनसे मिला नहीं, एक पत्र मैंने डाला हुआ है, वो शायद 27 मई को, मैं 14 मई को इधर आया तो 27 या 29 मई को मैंने उनके लिए एक पत्र चलाया हुआ है। आज जन सहयोग से सर कितने पॉइंट? अभी जन सहयोग से अभी तो फिलहाल में दोनों बोला है, एक तो जिनका बच्चा गुमशुदा हो गया तो उन्होंने, और एक कंसल जी हैं उन्होंने बोला है, अजय कंसल जी उन्होंने बोला है, बाकी बोल रहे हैं कि हम जो है एक हफ्ते के अंदर ये तुम्हारे 21 पूरे जो है प्रयास करेंगे, अगर ये हो जाता है तो इसमें जो है एक सुरक्षा कवर हो जाएगा पूरे करहल और ग्रामीण क्षेत्र के लिए। भाई साहब, करहल थाना प्रभारी ने जो आज कैमरे का सुझाव दिया है इसको लेके क्या कहते हैं? भाई देखो, थाना प्रभारी जी ने जो सुझाव दिया वो बहुत अच्छा है, करहल के जनता के हित के लिए है, और मैं भी उनके कैमरे लगाने का जो उनने सुझाव रखा है उसका समर्थन करता हूँ, और ये होना चाहिए हर नागरिक को, जो भी करहल की जनता है, हर एक को एक एक पॉइंट अगर स्वेच्छा से दान रूप दें तो पूरे करहल में जो भी टीआई साहब ने बोला है सभी जगहों पे कैमरे लग जाएंगे। करहल में जो भी घटनाएं होती हैं, मोटरसाइकिल वगैरह या कोई भी वाहन टक्कर मार के जैसे निकलते हैं, कोई भी कई चीज़ें वारदात होती हैं, उनमें बहुत रोक लगेगी और बहुत अच्छा सुझाव है। घटनाओं को रोकने के लिए कैमरों का सुझाव कैसा लगा आपको थाना? बहुत अच्छा उनका सुझाव है, और इसके लिए हम लोगों ने आश्वासन दिया आईटीआई साहब को कि करहल की कर्मचारी वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे सामाजिक लोग हो, वो सब मिलकर के इसमें सहयोग करेंगे, और प्रशासन से हमारी पत्रकार बंधुओं से बात हुई है, वो प्रशासन के सहयोग से भी इसको काम करवाना चाहेंगे। अगर वो होता है बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं होता है तो हम लोग व्यक्तिगत रूप से इसमें इंटरेस्ट लेकर इस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जल्द से जल्द कैमरे लगने की बिल्कुल अब उम्मीद जागी है टीआई साहब के सत्प्रयासों से और पत्रकार बंधुओं के सत्प्रयासों से, उम्मीद जगी है कि निश्चित रूप से करहल में कैमरे लगेंगे। सुनने में भाई साहब आपने आज कुछ एक कैमरा दान किया? हाँ, मैंने शुरुआत की है कि कम से कम 21 पॉइंट टीआई साहब ने सुझाए हैं, उनमें से कम एक शुरुआत हो, तो उसके लिए मैंने अपनी ओर से एक कैमरे का कहा है कि जितना भी उसमें खर्चा आएगा उसको मैं बैन करूंगा। सुझाव दिया कि कैमरे अगर करहल में लग जाए तो घटनाओं पे विराम लगेगा, आपने भी एक कैमरा इसमें दान किया, सुनने में आया? अपराध को रोकने के लिए मैंने एक कैमरा दान किया है, इससे क्या है वारदात ना हो। तो कहीं ना कहीं कैमरे लग जाने से घटनाओं में कमी आएगी, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, के बीच में भय होगा कैमरे से, यानी कहीं ना कहीं तीसरी आंख
काम निगार है।